हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हेयर केयर टिप्स के बारे में, जहां मैं आपको टॉप 5 टिप्स बताऊंगा आप एक अच्छी हेयर ग्रोथ कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में जेनेटिकली हेयर की प्रॉब्लम है, जल्दी बाल झड़ जाते हैं, सो कुछ भी करके आप उसे रोक नहीं सकते। आप प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, थोड़ा बहुत केयर करने के बाद अगर जेनेटिकली बाल जाते हैं तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज ट्रांसप्लांट। तो आज मैं अपने वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप 5 टिप्स बताऊंगा जो मैं पर्सनली अपने हेयर केयर के लिए करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होता है गाइस, दैट इज ऑयलिंग। तो सबसे पहले हफ्ते में एटलीस्ट आप अपने बालों को जो है 2 दिन ऑयल लगाएं और अच्छे से जो है हेड मसाज करें। और जब आप ऑयल लगा लेते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उसे ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह उसे धो लें, या फिर आप 2 से 3 घंटे भी, अगर ज़्यादा समय आपके पास नहीं है और आप 2-3 घंटे बालों में ऑयल लगा के रखें और उसके बाद धो लें। और एक चीज़ और, अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप 2-3 घंटे रख के धो लीजिए, तो आप ऑयल को लगाने से पहले उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए ताकि वो जो है अपने के स्कैल्प में अच्छे से वो जो है ऑयल पूरा सीप इन कर जाए और उसका जो एब्जॉर्प्शन है आपके स्कैल्प में वो बहुत अच्छा हो। पॉइंट नंबर 2 गाइस, आज बहुत कॉमन हो गया है ये, मैं हर जगह देख रहा हूँ, कई यंग लोगों को मैं देख रहा हूँ, मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत एक्सटेंसिवली हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जेल, हेयर वैक्स एंड हेयर स्प्रे। ये गाइस, अगर आप कभी कभी इसे इस्तेमाल करें, जैसे आपको कोई फंक्शन में जाना है, आपका कोई इवेंट है, आप वहाँ जाना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, तो ओकेजनली अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ आप हेयर जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर वैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में आपको जाके जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि हेयर प्रोडक्ट से दूर रहिए, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए अच्छे नहीं है, जो आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देते हैं और आपकी जो है हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में गाइस। पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारा हेयर वॉशिंग एंड क्लीनिंग से रिलेटेड है। अगर आपके सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा थिन हो गए हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जो कि सल्फेट फ्री हो। जब आप शैम्पू को खरीदें तो उसके पीछे जो है उसकी इंग्रेडिएंट्स को ज़रा सा चेक कर लें, अगर उसमें लिखा है सल्फेट तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि आप उस शैम्पू को ना लें। बहुत सारे जो है सल्फेट फ्री शैम्पूज और बहुत सारे जो हर्बल शैम्पूज हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है या फिर ये प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं है। तो सल्फेट फ्री एंड हर्बल प्रोडक्ट्स की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जहाँ जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 गाइस, पॉइंट नंबर 4 जो है ये अगेन हमारी हेयर क्लीनिंग से रिलेटेड है गाइस। बहुत लोग जो है वो साबुन से अपना बाल धोते हैं गाइस। साबुन के अंदर कास्टिक सोडा होता है जो कि आपकी स्कैल्प को ड्राई बना देता है और आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको डैमेज कर देता है और आपका जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसे बढ़ा देता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साबुन से जो है उस बाल को ना धोएं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ही माइल्ड पानी से उसे धोएं। ज़्यादा कड़क गर्म पानी या गर्म पानी जो है गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म उसे स्कैल्प में ना डालें। अगेन आपकी स्कैल्प गर्म पानी के वजह से ड्राई हो जाएगी, जो आपके बालों के अंदर नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो आपकी स्कैल्प जो है हमारी वो नेचुरली ऑयल्स को रिलीज करती है। गर्म पानी से धोने की वजह से वो ऑयल्स जो है हमारी स्कैल्प एज वेल एज हमारे बालों में से चले जाते हैं और हमारा बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होती है वो है एक बहुत ही अच्छा
न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड डाइट। गाइस जब बात करते हैं डाइट की, तो आपकी डाइट एक कंप्लीट डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन आपका जो है वो मैक्रोज में आता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं आपके वो मैक्रोज में आते हैं। कोशिश करें कि आप एक हाई प्रोटीन डाइट लें, हेल्दी फैट खाएं। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और डाइट में जो होती है वो है आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी हेयर ग्रोथ, हमारी स्किन क्वालिटी, हमारी नेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो कृपया करके अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स इसको ऐड करें। और मैं रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छा सा मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट जो है आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लीजिए। यहाँ पे मैं जो मल्टी वाइटामिन अपने बालों के लिए यूज़ करता हूँ वो है वाइटामिन ई, जो कि ईवियन 400 है, जिसकी मैं एक टैब रोज़ लेता हूँ। उसके साथ मैं अपनी जो मल्टी वाइटामिन यूज़ करता हूँ वो है न्यूरोबायोन फोर्ट, जिसमें कि वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स या वाइटामिन B6 मुझे मिल जाता है। तीसरी जो मल्टीवाइटामिन मैं यूज़ करता हूँ वो है बी कार्डेक्सामाइन टैबलेट्स। ये तीनों बहुत ही सस्ते हैं, आपको केमिस्ट शॉप से मिल जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी तरीके की जो है मल्टीवाइटामिन टैबलेट्स या कोई भी तरीके का सप्लीमेंट्स यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर लीजिएगा। तो गाइस ये थी टॉप 5 चीज़ें जो मैं आज आपको अपने वीडियो में बता रहा था हेयर केयर के बारे में। इसे ध्यान में रखें और इसे फॉलो करें और सब्र रखें। अगर आपके हेयर फॉल शुरू हो गए हैं तो ये ओवरनाइट शुरू नहीं हुआ है, तो ओवरनाइट जो है हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। सो सब्र रखें, थोड़ा टाइम दें, 20 से 25 दिन या एक महीने का समय दीजिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए और जो सारे टिप्स मैंने बताए हैं आपको उसे यूज़ करिए, उसे इम्प्लीमेंट करिए और उसके बाद देखिए जो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे वीडियो में आई एम सॉरी, मैं एक मेजर चीज़ जो आपको बताना भूल गया वो ये है कि हेयर ड्रायर्स का इस्तेमाल रेगुलरली ना करें। अगर आप रेगुलरली हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक कोल्ड हेयर ब्लो करने वाला हेयर ड्रायर जो है वो इस्तेमाल करें, हॉट एयर वाला नहीं करें। इससे आपकी बाल का जो ऑयल है, जो नेचुरली आपकी ऑयल प्रोड्यूस होती है, जो आपकी स्कैल्प ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो चला जाएगा, आपकी स्कैल्प अगेन ड्राई हो जाएगी और जो है आपके हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो जाएंगे और वो टूटने लगेंगे। तो कोल्ड ब्लोइंग हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें, हॉट ब्लोइंग हेयर ड्रायर का नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कोल्ड ब्लोइंग हेयर ड्रायर कौन कौन से हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक्स छोड़ दूंगा, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप उसे ले सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और अब मैं आपसे मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में। हेयर केयर के अलावा मैंने मल्टी वाइटामिन जो सप्लीमेंट की बात करी है वो है बीकार्डेक्सामिन, वो भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता मल्टी वाइटामिन है, 35 रुपीज़ में आपको 30 टैब्स मिल जाती है। आपको दिन में उसकी एक टैबलेट लेनी है जो आपको 30 दिन तक लास्ट करेगा। अगेन लेने से पहले जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो अब फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फाइनली वीडियो को एंड करता हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।